29 अक्टूबर साल 2005, इसी दिन दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए जिसको आज 18 साल हो गए हैं। 29 अक्टूबर 2005 की इस घटना ने दिल्ली के साथ साथ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज भी कई परिवार इस दिन को याद करके रोने लगते हैं। इस ब्लास्ट में किसी ने अपने भाई को खोया तो किसी ने अपने पिता को, तो किसी किसी का पूरा घर ही बर्बाद हो गया। इस सीरियल ब्लास्ट में 3 अलग अलग जगहों पर धमाके हुए थे, जिनमें सबसे पहला धमाका शाम के करीब 5:30 बजे भारी भीड़ वाले इलाके पहाड़गंज में हुआ था। ठीक आधे घंटे बाद लगभग 6 बजे एक और व्यस्त बाजार सरोजनी नगर में दूसरा बम धमाका हुआ। ये धमाके बस, कार और बाइक में हुए थे। इन सीरियल बम धमाकों में 60 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। पहला धमाका पहाड़गंज के पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ। विस्फोटक एक दो पहिया वाहन में लगाया गया था। जब बम फटा तो उसने एक मेडिकल दुकान को तहस नहस कर दिया, जिसके बाहर दो पहिया वाहन खड़ी थी। वहीं दूसरा विस्फोट गोविंदपुरी में एक बस के अंदर हुआ। बस में 35 से 40 लोग यात्रा कर रहे थे, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस के कंडक्टर ने एक संदिग्ध प्लास्टिक बैग देखा था, जिस पर किसी भी यात्री ने दावा नहीं किया था। यात्रियों को पहले से ही संदेह था, क्योंकि एक आदमी बस में चढ़ा और अपना बड़ा काला बैग छोड़कर टिकट लेने से इनकार कर दिया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत सतर्क हो गए और यात्रियों को उतार दिया, और ऐसा करके जब बम खिड़की से बाहर फेंका गया तो नुकसान कम हुआ। विस्फोट के समय बस के अंदर केवल 5 लोग ही बचे थे। हालांकि बचाव प्रयास में ड्राइवर और कंडक्टर बुरी तरह से घायल हो गए थे। पुलिस ने बताया कि गोविंदपुरी बम एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर पर संचालित था। वहीं तीसरा और सबसे विनाशकारी विस्फोट सरोजनी नगर बाजार के एक बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि बम एक सफेद रंग की मारुति वैन में रखा गया था, जिसके विस्फोट के कारण आगे और पीछे के शीशे टूट गए। गैस सिलेंडर का उपयोग कर एक विक्रेता के पास बम विस्फोट हुआ, जिससे कई दुकानों में आग लग गई। इस विस्फोट में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और लगभग 28 लोग घायल हुए थे। धमाकों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया विस्फोटक RDX था। दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में हुए इन धमाकों के पीछे आतंकी संगठन लश्करे तैयबा का हाथ मारा गया। मामले में कोर्ट ने तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजली और मोहम्मद रफीक शाह पर आपराधिक साजिश रचने, हत्या, हत्या के प्रयास और हथियार जुटाने के आरोप तय किए। वहीं बाद में 3 अभियुक्तों में से 2, मोहम्मद रफीक शाह और हुसैन फाजली, बरी कर दिए गए। तारिक अहमद डार को सजा तो सुनाई गई, लेकिन बम धमाकों में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि चरमपंथी संगठन लश्करे तैयबा से जुड़े होने के कारण। डार को 10 साल की सजा मिली। जेल में 10 साल गुजर जाने के बाद वो भी बरी हो गया। दिवाली से ठीक 2 दिन पहले हुए इस धमाके ने दिल्ली में मातम फैला दिया था।